हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, क्या वो आपका दुख समझते हैं? तो जनरल रीडिंग है। अगर किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में उन्हें आपकी तकलीफ का एहसास भी है, तो इसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम टैरो में से 6 कार्ड लेके उस पर्सन की एनर्जी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ एनर्जी ओरेकल में से 7 कार्ड लेके और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। कार्ड्स हमें मिल गए हैं। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है डेथ का कार्ड, रीबर्थ। तो ये एंडिंग और न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। आपके पर्सन जिंदगी में एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, यानी कि पास्ट को भूल के जो हुआ सो हुआ, लेट्स टेक अ न्यू स्टार्ट, इस तरह की एनर्जी में है। यानी कि आप दोनों के बीच में भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे तो शायद ये पर्सन समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका इनके साथ डिवाइनली कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी सिंबल है ये, तो वो समझ रहे हैं कि शायद यूनिवर्स ने ही आपको एक दूसरे के लिए चुना है, और इसी वजह से शायद इसी एहसास को लेके हो सकता है ये पर्सन दोबारा से इस रिश्ते में एक री एंट्री करना चाहते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट जोन भी है, तो कुछ लोगों के साथ शायद ये कार्ड रेजोनेट हो कि ये पर्सन फिर से आपके साथ एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करके ये सब दूरियों को मिटा के एक नई शुरुआत करें उनके साथ। नेक्स्ट है जजमेंट कार्ड। तो ये अवेकनिंग प्रोसेस का कार्ड माना जाता है। ये रिवर्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है। उनको शायद एंजल्स ने पूरी तरह से एहसास करा दिया है कि कहाँ पे वो गलत हो रहे थे या उनकी तरफ से क्या गलतियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से जो वो चाहते थे वो शायद उनको मिल तो रहा था ज़िंदगी में, लेकिन वो खुशी वो दिल से, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्पिरिचुअली खुद को हैप्पीनेस फील कर रही है, ये उसका स्पिरिचुअल फॉर्म, तो वैसे वो दिल से खुशी महसूस नहीं कर पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में। और जब शायद उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा, काफ़ी अप्स एंड डाउन से उनकी ज़िंदगी गई, उसके बाद उनको एहसास होने लगा कि दिल से तो मैं किसी के बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती हूँ, आखिर वो पर्सन है कौन? और तब शायद उन्होंने आपके बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया, और इसी वजह से शायद उनको लग रहा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं या करनी चाहिए। फिर हैं एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो जैसे यहाँ पे दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो पर्सन, मतलब इन रियल तो दो नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल फॉर्म में ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन की जो अंतरात्मा है वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसको तो किसी ने बांध के नहीं रखा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जब वो आईने में देखती कि वो बंधी हुई है, ऐसे जैसे यहाँ पे कौवे हैं वो
तकलीफ दे रहे हैं। किसी के भी कानों में अगर कंटिन्यूसली कौवा बोलने लगे तो तकलीफ होती है, वैसे ही इस पर्सन का जो दिल है वो उनसे शायद नॉनस्टॉप बातें कर रहा है कि देखो तुमने क्या किया, क्या तुमने किसी के साथ गलत किया है, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। इस तरह की बातें शायद वो दिल उन्हें इनको सुना रहा है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो भी पर्सन है वो अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचता रहता है या हैप्पीनेस पाने के लिए कोशिश भी करता रहता है, लेकिन जो कहते हैं ना हम अंतरात्मा, वो उनके बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको एहसास है कि वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं। फिर है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी डांस कर रही है, वैसे ही फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है मोस्टली सेलिब्रेशन का, शादी का भी कार्ड माना जाता है। तो अब शादी को लेके ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं, यानी कि अब तक अगर सिर्फ एंजॉयमेंट में या फिर फन ऐसे नाच गाना और बस पार्टी, बस आया दिन गुजारते हुए कि आज मुझे हैप्पीली जीना है, बाकी कुछ सोचना नहीं है, इस तरह से अगर ये जी रहे थे तो अब इनको लग रहा है कि सीरियसली शादी ब्याह को लेके कुछ सोचे, एक अपनी लाइफ की सीरियस जर्नी के बारे में सोचे कि कौन है जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर के लिए खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, उसके बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनके इर्द गिर्द ऐसे शायद कई सारे लोग हैं जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लट्टू की तरह है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मतलब ये पर्सन भी ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता कि उनको लोग क्या सोचते रहते, लेकिन शायद उनको अच्छा लगता है कि मतलब किसी ने हमें इतना ज़्यादा अटेंशन देना, आई एम फेमस, मैं बहुत ऐसा इंसान हूँ या ऐसे इंसान हूँ कि जिसके ऊपर काफ़ी लोग ऐसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, आई एम गुड लुकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन शायद अब तक काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। लेकिन जब उनके अपने इमोशंस की बात आती है तो उन्हें ऐसा होता एहसास होता है कि मतलब सेक्सुअलिटी को लेके लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो बात कम्प्लीटली अलग होती है, लेकिन दिल से जो प्यार होता है, जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ के लिए प्यार महसूस होता है, उसने दुनिया देखी भी नहीं होती लेकिन उसको एहसास होता है कि हाँ सामने माँ दिख जाए, उसने जस्ट बच्चे को ले भी लिया हाथ में तो भी उसको जो एहसास फील होता है, जो खुशी उसके चेहरे पर छा जाती है, वो होता है दिल का कनेक्शन उसका अपनी माँ के साथ। तो वैसे इस पर्सन को जब भी महसूस होता है कि इसकी लाइफ में बाकी सब कुछ है लेकिन वो सच्चा प्यार मिसिंग है जो इसको चाहिए, तब ये आपके बारे में सोचते हैं या सोचती है। और फाइनल कार्ड है द सन। तो इस पर्सन को पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि आखिरकार इनकी तरफ से गलतियाँ कहाँ हो रही थी या क्या गलत हो रहा था। तो ये कार्ड तो टैरो में सबसे अच्छा माना जाता है। अब तक अगर ये पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो ये कार्ड बता रहा है कि उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनके ज़िंदगी के हैप्पीनेस को लेके कौन सी दिशा सही है, और वो दिशा शायद आपसे अलावा और कोई हो ही नहीं सकती, ये वो अब समझ रहे हैं। देखते हैं एनर्जी ओरैकल में से कार्ड हमें क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। तो कहीं ना कहीं आप थैंक यू कह सकते हैं एंजल ऑफ बैलेंस को। ये एंजल उस पर्सन को एहसास दिला रहा है कि आपके बिना उनकी ये जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो सकती। जैसे जजमेंट में की कार्ड में भी एंजल होता है, तो एक अधूरापन एंजल इस पर्सन को फील करवा रहे हैं और उन्हें एहसास करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए तो तुम्हें वो सच्चा प्यार चाहिए जो प्यार किसी ने तुम्हें ऑफर किया था, तब जाके कहीं ये ज़िंदगी बैलेंस कर पाओगे। यानी कि अगर आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है तो आपके जज्बात एंजल उनके दिल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को एहसास हो रहा है सच्चे प्यार का। सो से थैंक यू टू एंजल ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट है कॉर्नकोपिया। तो जैसे यहाँ पे सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, तो आपके पर्सन को अब एहसास हुआ है, हो रहा है या फिर हो चुका है कि आपके पास या फिर आपके अंदर वो सभी खूबियाँ हैं जो उन्हें चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 11 नंबर आया है, तो यूनियन का भी ये नंबर होता है। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें बाहर दुनिया में जो वो वक्त बिता रहे थे या फिर ऐसी दुनिया में वो खोए हुए थे जो उनके किसी काम की नहीं थी, उसके बजाय अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा होता तो उन्हें एहसास हो जाता कि आपके पास ऑलरेडी वो सब बातें हैं, आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं जो इस पर्सन को सच में चाहिए, यानी कि परफेक्ट एक कनेक्शन आप दोनों का है। अब ये उस बात को समझ रहे हैं। फिर है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपके पर्सन
आपको एहसास हो रहा है कि किसी के लिए भी दिल के जज्बात संभाल के रखना इतना इजी नहीं होता और शायद काफ़ी वक्त से आपने अपने जज्बातों को उसी तरह से संभाल के रखा है, इस पर्सन के लिए जो प्यार है वो आज भी वो आपके दिल में महसूस करते हैं या करती है, मतलब इस कार्ड के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ होल्डिंग अ हार्ट, ये फोकस मेन इस कार्ड का है। तो उन्हें पता है कि अभी भी आपने वो दिल संभाल के रखा है, वो दिल सिर्फ इनके लिए ही धड़कता रहता है और ये बात उन्हें बहुत खास लग रही है, जिसकी वजह से वो आपके दिल के जज्बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है गॉडेस ऑफ मून। तो हो सकता है रात के वक्त स्पेशली ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स पूरी तरह से अपना प्लान नेक्स्ट डे का क्या है उस एक्टिवेशन मोड में होती है, एक चारों दिशाओं में एक शांति होती है, और ऐसे में जो हम थोड़े बहुत एक सुकून के दायरे में होते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं हमें जो बातें सुनाई देती है वो क्लियर कम्युनिकेशन होता है हमारे दिल के साथ, और ऐसे ही दिल के साथ जब उनकी बातें हो रही हैं तो वो दिल शायद आपको ही याद कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी जो थोड़ी बहुत यादें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सता रही है, और वो सच्चे दिल से, क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो स्पेशली रात के वक्त वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा दिल से सोचने लगे हैं या सोचने लगी है। फिर है फर्स्ट चक्र आर्च एंजल माइकल। तो माइकल भी आपकी हेल्प के लिए आ रहा है, और जैसे यहाँ पे ये उसके हाथ में जो छोटी सी सॉर्ड जैसा दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो शायद माइकल उसको पर्सन को एनकरेज कर रहा है कि अपने दिल की बात समझो और क्लियर कम्युनिकेशन करो, तो माइकल को भी आप हेल्प थैंक यू कह सकते हैं। फर्स्ट चक्र यानी कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं उस चक्र को एक्टिवेट शायद इस एंजल ने किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस तरह से आपके बारे में सोचने लगे हैं। इन डिसीजन राइट नाउ भी इस पर्सन को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो उनके सामने शायद और भी ऑप्शन है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ भी अगर बढ़ना है तो कौन सा मोड लेके आपकी तरफ बढ़े। ये रेड कलर का जो हुडी जैसा कुछ पहना है जो रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट के इमोशंस को, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार दिल में महसूस करते हुए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्ड पे जो साइन बना हुआ है वो भी थोड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल को लेके ही है, जैसे यहाँ पे 8 दिख रहा है वैसे। तो अब उन्हें आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, और फाइनल कार्ड है डोर टू स्पिरिट। तो यूनिवर्स में जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं या सच्चे दिल से जो भी दुआएं कर रहे हैं ऊपर वाले से, वो दुआएं आपकी सुनी जा रही हैं, जिसकी वजह से डोर टू स्पिरिट आपके लिए ओपन हो रहा है, और आपकी हेल्प करने के लिए एंजल्स ब्लेसिंग्स और जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी सारी गुड अच्छी अच्छी वाइब्स आपकी तरफ आ रही है, जो आपका ख्याल रखने के लिए ये ऊपर से यूनिवर्स सेंड कर रहा है। तो इस पर्सन को भी शायद इन्हीं सब बातों की वजह से आपके दुख का एहसास हो रहा है, और धीरे धीरे ही सही वो पर्सन समझ रहे हैं आपके प्यार को आपके जज्बात को। तो जेंटल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।